नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। पौड़ी के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड लैंसडाउन में बाबू प्रमेंद्र सिंह द्वारा लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला आजकल काफी चर्चा में है। वहीं वर्तमान नदीछाची अभियंता प्रेम सिंह बिस ने इस मामले में ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी, लेकिन पूर्व नदीछाची अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। 2018 में मृतक आश्रित के बाद नियुक्ति पाए गए प्रमेंद्र सिंह द्वारा लगभग 30 लाख का गबन करने का मामला आजकल काफी चर्चा में है, जिसको देखते हुए वर्तमान अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह बिस ने इस मामले में ईमानदारी दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ FIR तो दर्ज करा दी है, लेकिन पूर्व अधिशासी अभियंता स्वर्गीय प्रवीण बहुखंडी के कार्यकाल में हुआ ये गबन कई बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इस मामले को दबाया जा रहा है और साथ ही आरोपी को गबन की हुई राशि ठेकेदारों को वापस करने का बार बार मौका दिया जा रहा है। ये साफ इशारा करता है कि प्रमेंद्र की ओर से किए गए इस गबन में विभागीय उच्च अधिकारी और अकाउंटेंट की भी भूमिका जरूर रही होगी, क्योंकि ठेकेदारों की जिस 10% धरोहर राशि को प्रमेंद्र अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर रहा था, उसे अधिशासी अभियंता और अकाउंटेंट के हस्ताक्षरों के बिना खातों में ट्रांसफर करना संभव नहीं था। वही प्रमेंद्र द्वारा ठेकेदारों की धनराशि में किए जाने वाला ये गबन ठेकेदारों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ठेकेदार ज्यादातर ठेका पूरा होने के बाद भी अपनी 10% धरोहर राशि वापस लेने के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिसकी वजह से PWD के अन्य खंडों और अन्य विभागों में गबन होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक्चुअली 2 साल पुराना केस है। इसमें वो क्या करता था कि ठेकेदारों का जो 10% की धनराशि होती है उसको जो है जब लास्ट में अकाउंट नंबर पड़ता है तो अकाउंट नंबर अपने मिसेज का या अपने किसी रिश्तेदार को डाल देता था। तो वो पिछले हमारे सचिव में था, उन्होंने पकड़ा था वो केस और उसमें जो है विभागीय जांच भी हुई है, तो उसमें मेरे द्वारा FIR लिखवा दी गई है, क्योंकि मैंने इसमें अनुमति ली थी अपने उच्च अधिकारी से। तो FIR लिखने के बाद उसमें अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।